गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 2 चित्र पाठ का अभ्यास कार्य करवाएंगे। जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में करवाया था और संधि विच्छेद तक हम करवा चुके थे, अब आप आ जाइए प्रश्न नंबर 5। ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, तो इन पिक्चर्स को इन्हीं के सहायता से आपको भरना है। ये कुछ सर्वनाम हैं। और बच्चों एक बात खास ध्यान रखिए, आपको ये जो भी पिक्चर वाले क्वेश्चन हैं ये आपको कॉपीज़ में नहीं करने हैं, ये आपको केवल समझाने के लिए बताए जा रहे हैं। कोई भी पिक्चर का काम आपको कॉपी में नहीं करना है। अब इसमें देखिए, पहला एक हाथी बना हुआ है, तो इसके आगे डैश दे रखा है, तो आपको लिखना है पहले हाथी को क्या कहते हैं संस्कृत में, गजह, तो अयम गजह। दूसरा एक भवन बना हुआ है, तो इदम भवनम। अब थर्ड पिक्चर में एक कुत्ता दिखाई दे रहा है, तो इयम कुकरी। अगले में एक बर्तन है, इदम पात्रता। अगला है बिल्लियां हैं बहुत सारी, इमाह विडाल्य। अगला है इसमें कुछ वनमानुष दे रखे हैं, तो बहुत सारे हैं, तो इमे वनमानुषाः। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो बच्चों इस पहले वाले में महात्मा गांधी - परतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकारयत। महात्मा गांधी ने परतंत्र भारत को स्वतंत्र करवाया था, किसकी सहायता से, सत्याग्रह आंदोलन की सहायता से। अब अगला देखिए बच्चों, लक्ष्मीबाई - प्रथम स्वतंत्र संग्रामस्य वीरांगना आसीत। तो इसमें आएगा 1857 तमे वर्षे, लक्ष्मीबाई 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्र संग्रामस्य वीरांगना आसीत। श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया - आसीत। तो सरोजनी नायडू क्या थी, एक कवियत्री, तो - में आप लिखेंगे कवियत्री। अगला है विज्ञान आंचलिक केंद्रम - स्थितम अस्ति, कहाँ पर है विज्ञान आंचलिक केंद्र, लखनऊ नगरे, तो विज्ञान आंचलिक केंद्रम लखनऊ नगरे स्थितम अस्ति। अब बच्चों इसका ख देखिए, ख में आपको मिलान करना है। पहला है रेजिडेंसी स्थलम, तो उसके बारे में दिया गया है देशभक्तानाम आत्मत्यागम। अगला है इमामबाड़ा होगा अवध शासका नाम स्मारकम। सचिवालय है प्रदेशस्य मुख्य कार्यालय। चौथा है विज्ञान आंचलिक केंद्र का होगा अनुभव आधारित शिक्षण प्रदानाय। अब आइए बच्चों प्रश्न नंबर 7 पर, इसमें आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। पहला है महात्मा गांधी ने देश के लिए कार्य किया, तो इसका होगा महात्मा गांधी देशाय कार्यम अकरोत। महात्मा गांधी देशाय कार्य अकरोत। अगला है यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, तो अत्र बहूनि दर्शनानि स्थलानि सन्ति। अत्र बहूनि दर्शनानि स्थलानि सन्ति। अगला है इस स्मारक को देखने लोग आते हैं, तो इसका क्या होगा, इसका होगा इदम स्मारकम दर्शनाय
जनाः आगच्छन्ति। अगला है रेजिडेंसी स्थल पर देशभक्तों को याद करते हैं, तो रेजिडेंसी स्थले देशभक्तान स्मरन्ति याद करते हैं। राजभवन में राज्यपाल रहते हैं, राजभवन में राज्यभवने राज्यपाल राज्यपालः रहते हैं निवसति। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न भी आपका समाप्त हुआ। इसी के साथ आज ये पूरा पाठ